दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जी सब्सक्राइब बटन कर लें आइकन और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। आज जो आप ये स्क्रीन पर बकरी देख रहे हो, ये पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खा रही है, चल नहीं पा रही है और इसकी नस भी अकड़ गई है। तो ऐसी कंडीशन कहीं भी हमें मिलती है तो इसको क्या हुआ है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ऐसी अगर कंडीशन हो गई है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है मैं पूरा आपको बताऊंगा। अभी आप देख रहे हो ये खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रही है और ये अभी खड़ा करके दिखाएंगे, खड़ी भी नहीं हो पा रही है। देखिए अभी इसको खड़ा कर दिया और अभी देखिए बस ऐसे थोड़ा सा चलती है और गिर जाती है। तो इसको हुआ क्या है, इसको नसों में अकड़न हो गई है और इसका टेम्परेचर भी लो चला गया है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो इसका हमें क्या इलाज करना है आप वीडियो को पूरा देखें। जो भी हमारे द्वारा ट्रीटमेंट बताया जाता है उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप घर पे ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से करवाएं। जो भी हम ट्रीटमेंट बताते हैं आप अपने डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, आपको जानकारी नहीं होती है मेडिसिन के बारे में, कितनी डोज देनी है, क्या करना है, तो आप डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाएं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या इलाज करना है, इसमें क्या होता है कि B1 डेफिशिएंसी के कारण नसों में अकड़न हो जाती है और बकरी चल नहीं पाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। अगर टाइम पर इलाज नहीं होता है तो इसमें बकरी मर भी सकती है। तो अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट में हम इसको फ्लूड थेरेपी देंगे। टेम्परेचर लो है तो हमने यहाँ D5 यूज़ किया है, आधा लीटर D5 में हमें, ये देखिए पेशाब वगैरह कर रही है, आधा लीटर D5 में हमें नरवाइन टोनिक इंजेक्शन डालने हैं। जैसे ऑप्टीन्यूरोन, जो वुमन वाला ऑप्टीन्यूरोन आता है, वो हमें 10 एम्पुल, जो 3 ml का 1 एम्पुल होता है, वो 10 एम्पुल लेके आने हैं और ये ड्रिप हमें 2 या 3 दिन लगानी है। तो उसमें से 10 जो एम्पुल है उसमें से 3 एम्पुल हमें ड्रिप में डालने हैं। उसके बाद हम आते हैं मिकोवेट एक्सल। यहाँ हम बकरी को 3 से 7 ml तक मिकोवेट एक्सल दे सकते हैं वेट के हिसाब से। तो हमने यहाँ 4 ml इसको मिकोवेट एक्सल दिया है। ये देखिए आप, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, नस अकड़ गई है, एक साइड रख रही है ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ट्रीटमेंट करना है। तो मिकोवेट एक्सल हमें, हमने यहाँ 3 ml या 4 ml तक हम ले सकते हैं। उसके बाद जो टोनोफोस इंजेक्शन आता है 4 ml वो डालेंगे और ये ड्रिप हमें गर्म करके ही लगानी है, क्योंकि अगर हम गर्म करके नहीं लगाएंगे, सर्दी का मौसम है तो वो अच्छे से काम नहीं करती है और टेम्परेचर इसका लो वैसे ही है और ठंडी ड्रिप से और ज़्यादा लो चला जाता है। तो हमें गर्म कर लेना है, पहले पानी में डालकर अच्छी तरह गर्म कर लेना है, उसके बाद हमें ड्रिप लगानी है। और ये ड्रिप लगने के बाद हमें एक और 500 ml D5 लेनी है और उसमें हमें माइफेक्स 40 ml माइफेक्स हमें डालना है। और जो ये ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ इसका हाथ, जब आप ट्रीटमेंट करते हो करते ही ये ठीक हो जाती है और बैठ जाती है उठ के। पहले भी मेरे चैनल पे ये वीडियो बनी हुई आप देख सकते हो। तो हमें वो ड्रिप गर्म करनी है, गर्म करने के बाद उसमें माइफेक्स 40 से 50 ml में डालनी है और ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे ड्रिप लगानी है। उसके बाद हम आते हैं मस्कुलर इंजेक्शनों में। मस्कुलर इंजेक्शनों में हमें कीटोप्रोफेन 2 ml देना है और CPM 2 ml देना है, ये हमें मस्कुलर देने हैं। और ये ड्रिप हम 2 या 3 दिन तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसका जब हम ड्रिप लगाते हैं, लगाते ही इसका चमत्कारिक रिजल्ट हमें मिलता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद आप 2 या 3 दिन तक लगातार और करोगे ट्रीटमेंट, उसके बाद ये खाना पीना बिल्कुल सही ढंग से करने लग जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी आप वीडियो डाल दें, वीडियो डालने के बाद आप हमें कॉल कर लें, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। और जो भी हमारे द्वारा ट्रीटमेंट बताया जाता है उसका 100% रिजल्ट मिलता है। जो हम फील्ड में देख चुके होते हैं ट्रीटमेंट, जिसका अच्छा रिजल्ट मिलता है वही हम वीडियो में ट्रीटमेंट बताते हैं और उसका 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है।